नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग ट्यूब में। दोस्तों मेरा नाम है विश्वा। दोस्तों आज मैं आपके सामने में कुछ चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों आपने बहुत सारे ब्राउजर्स में कभी ना कभी तो ब्राउज किए होंगे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा या सफारी, गूगल क्रोम, बहुत सारे ब्राउजर्स दोस्तों जहाँ पे कि आप ब्राउज किए होंगे। और आपने कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन में फेस किए होंगे कि दोस्तों आप कुछ नया टैब खोल रहे हैं तो स्लो हो जा रहा है, या टैब नहीं खुल रहा है, या दोस्तों आपका कंप्यूटर का मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है ताकि आपका ब्राउजर हैंग हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे सिचुएशंस ऐसा भी होता है कि आपने कुछ इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं और वो डेटा आपके पास नहीं आ पा रहा है बिकॉज आपका मेमोरी स्पेस कम हो रहा है, या फिर डेटा ठीक से वो कैप्चर, ब्राउजर ठीक से डेटा कैप्चर करके आपके सामने में नहीं ला पा रहा है, या दोस्तों बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा ब्राउजर के बारे में जो कि आपके लिए सीमलेस एक्सपीरियंस दे सकता है, बहुत अच्छा यूआई दे सकता है, और दोस्तों आपको स्पीड भी दे सकता है, और बहुत सारे अलग अलग फीचर है उसका। दोस्तों तो ऑब्वियसली आप जान गए होंगे दोस्तों मैं गूगल क्रोम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों गूगल क्रोम एक ऐसा ब्राउजर दोस्तों जिसको कि हमारे जो गूगल का सीईओ है इंडिया से है, जो कि सुंदर पिचाई ने दोस्तों उनका खुद का ही प्रोजेक्ट था दोस्तों गूगल क्रोम, और उन्होंने इसी के लिए ही रिकॉग्नाइजेशन मिला है दोस्तों उनको। और गूगल क्रोम उनके अंडर का टीम ही डेवलप किया था दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर। तो दोस्तों गूगल क्रोम एक गूगल का ही प्रोडक्ट है और ये सबसे दुनिया का सबसे फास्ट ब्राउजर है दोस्तों एज पर द सर्वे। दोस्तों W3 स्कूल्स का जो सर्वे है दोस्तों उसमें 76.1% ऑफ द यूजर्स इन द वर्ल्ड वाइड आर यूजिंग क्रोम। दोस्तों तो ये कितना ज़्यादा, 76% ऑफ द यूजर एज पर 2017 का जो सर्वे है दोस्तों। और दोस्तों 12% ऑफ द यूजर जो कि फायरफॉक्स यूज करते हैं, और 4% ऑफ द यूजर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एज प्लेटफॉर्म। आपको दोस्तों पता होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो ब्राउजर का नाम चेंज करके एज कर दिया दोस्तों, तो एज का भी अच्छा अभी थोड़ा सा स्लोली उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है बिकॉज दोस्तों एज भी बहुत ही अच्छा और फास्ट ब्राउजर है दोस्तों। और सफारी का अराउंड 3.3% है, और दोस्तों 1.2% आपका ओपेरा का। तो आज बात करते हैं वही 76% वाला जो कि मार्केट शेयर है, 76% ऑफ द यूजर जो कि गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं उसके बारे में, और उसका फीचर के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जब गूगल क्रोम का फीचर के बारे में बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है दोस्तों, ये फास्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है। मतलब आपको अगर ब्राउज करना है या टैब नेविगेशन करना है या कुछ भी डाउनलोड करना है दोस्तों, इसमें बहुत ही फास्ट है और इसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है कि इसमें इनबिल्ट डाउनलोडर है दोस्तों। मतलब अगर आप कुछ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं कुछ भी सर्वर से दोस्तों, जब आप डाउनलोड क्लिक करते हैं वो अपना इनबिल्ट डाउनलोडर से आपका फाइल को डाउनलोड कर लेता है दोस्तों। और ये इसका जो इनबिल्ट डाउनलोडर है ये अच्छा स्पीड में भी डाउनलोड कर सकता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इसमें जो फीचर है, इसमें टैब नेविगेशन है दोस्तों, आपको मल्टीपल टैब आप एक साथ खोल सकते हैं, और दोस्तों वो सीमलेसली आपको बिहेव करेगा जो कि स्लो नहीं होगा दोस्तों। जिस टाइम पे अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज में खोलते हैं दोस्तों, टैब में नेविगेट करने में आपको टाइम होगा, बहुत टाइम लगता है दोस्तों, हैंग भी कंप्यूटर हो सकता है। उसके बाद दोस्तों उसमें आता है कि उसमें जो मेमोरी कंजम्पशन है आपका, जो रैम का यूजेस आपका बहुत कम यूज करता है दोस्तों गूगल क्रोम एज कम्पेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर का मल्टीपल टैब्स, या सफारी या फायरफॉक्स का मल्टीपल टैब ओपन करके आप अगर चेक करेंगे दोस्तों, क्रोम का जो मेमोरी कंजम्पशन है आपका, रैम का यूजेस है दोस्तों, बहुत ही कम रहता है। उसके बाद दोस्तों आता है कि इसमें मोड रहता है जो कि इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं, जहाँ पे कि आपका डेटा प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। आप कुछ भी ब्राउज करना चाहते हैं तो आप प्राइवेटली ब्राउज कर सकते हैं, आपका कुकीज या हिस्ट्री आपका डेटा स्टोर नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें ये सबसे अच्छा फीचर है दोस्तों, इसमें इनकॉग्निटो का मोड है। इसके बाद दोस्तों आप इसमें कुछ भी एड ऑन ऊपर से इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको कुछ एड ऑन चाहिए, जैसे कि आपको फायरबग है, या फिर आपको रूलर चाहिए कुछ भी मेजर करना है दोस्तों, बहुत सारे एड ऑन्स। आपको टीवी देखना है वहाँ पे टीवी का भी एड ऑन रहता है, IRCTC का बुकिंग कराना है आपको फास्ट एक्सेस के लिए तो IRCTC का भी, मल्टीपल बहुत सारे एड ऑन्स रहते हैं, जैसे कि गूगल ऐप स्टोर में जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों प्ले स्टोर में, उसी तरह का ही एड आपको भी, उसी तरह का भी एप्लीकेशन आपको गूगल क्रोम का एड ऑन्स में मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गूगल क्रोम आपको फीचर प्रोवाइड करता है थीम चेंज करने के लिए, यूआई चेंज करने के लिए। इसका मतलब अगर आपको कुछ दूसरा टाइप का थीम में आपको देखना है ब्राउजर, तो आप थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
और दोस्तों उसका जो अपडेट्स आते हैं वो रेगुलरली ऑटोमेटिकली वो अपडेट्स आते हैं, जैसे कि कुछ नया वर्जन का गूगल क्रोम आ गया दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको गूगल क्रोम का वर्जन को अपग्रेड करा देता है। उसके बाद दोस्तों उसमें एक फीचर है जिसको कि आप एड्स जो भी आपका, अगर मान लीजिए बहुत सारा फेक वेबसाइट्स रहता है जहाँ पे कि आप क्लिक करने के टाइम पर थर्ड पार्टी कोई भी वेबसाइट आपको मतलब रीडायरेक्शन करता है दोस्तों, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपको पॉपअप ब्लॉकर भी आ सकता है दोस्तों, आप पॉपअप को भी ब्लॉक कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक रहता है। अगर आप उसको अलाउ करते हैं तब ओनली वो दूसरा पेज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो ओपन कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा दोस्तों। उसमें एक और फीचर है दोस्तों, वो आपका गूगल का जो साइन इन आईडी है, गूगल का जो भी जीमेल का आईडी है दोस्तों, उसके साथ वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए क्रोम लॉगिन करते हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों उसका जो ऑप्शन रहता है आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए जीमेल आईडी के साथ आपका क्रोम को, ताकि आपका क्रोम का जो भी डेटा आप क्रोम में ब्राउज कर रहे हैं दोस्तों, वो आपका ऑटोमेटिकली जीमेल आईडी से सिंक्रोनाइज हो जाता है दोस्तों। तो कि आपको सारे डेटा का ट्रैक रहता है कि आपने किस दिन क्या सर्च किए थे या कुछ डाउनलोड किए थे, तो सारे डेटा का आपका ट्रैकिंग हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छा फीचर ये है इसका कि ये प्लेटफॉर्म, इस मल्टीपल प्लेटफॉर्म में ये प्रोवाइड करता है अपना ब्राउजर। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में भी आपका गूगल क्रोम है, iOS में भी गूगल क्रोम है, अगर आप देखना चाहते हैं मैक में भी है, विंडोज में भी है, सारे प्लेटफॉर्म में दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर अवेलेबल है दोस्तों, ताकि हमारे पास अच्छा सीमलेस ब्राउजिंग एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म में भी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसमें है कि इसमें बिल्ट इन पीडीएफ व्यूअर है, अगर आप कुछ पीडीएफ ओपन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो नया टैब खोल के आपका क्रोम में आपको पीडीएफ भी आप व्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों पीडीएफ व्यू करने के लिए, या एडोब रीडर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पीडीएफ है वैसे आप फ्लैश को भी, आप फ्लैश को देख सकते हैं, आपको फ्लैश प्लेयर का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, उसमें इनबिल्ट आप फ्लैश प्लेयर का एडऑन इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं। लोकेशन भी आपका ट्रैक कर सकते हैं, अगर आप किसी लोकेशन आप कुछ चीज़ ब्राउज कर रहे हैं दोस्तों, अगर किसी वेबसाइट आपको लोकेशन मांग रहा है तो ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम आपका लोकेशन का कोई ऑप्शन मांग के आपका लोकेशन अलाउ कर देते हैं, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका करंट लोकेशन को पिक कर लेगा दोस्तों। उसमें दोस्तों रहता है कि इंटीग्रेटेड गूगल सर्च रहता है, अगर आप क्रोम का जाके ऊपर में जो नेविगेशन बार है दोस्तों, वहाँ पर कुछ भी टाइप करके एंटर हिट करते हैं दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली आपका गूगल का जो सर्च है इंजन उसमें दोस्तों चला जाता है और सर्च हो जाता है दोस्तों, ताकि वो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च इंजन के साथ वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज है और इंटीग्रेटेड है दोस्तों। दोस्तों ये सारे फीचर्स था जैसे मैंने आपको बताया गूगल क्रोम के बारे में, और मुझे जो लगता है दोस्तों, और जो मार्केट ने या जो भी यूजर्स उसको अडॉप्ट किए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, पास्ट 5 to 10 years आप हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले फायरफॉक्स हुआ करता था या गूगल जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, उसके बाद दोस्तों 10 साल में ही मार्केट ने पूरा टर्न लेकर के दोस्तों गूगल क्रोम को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ब्राउजर है और अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है दोस्तों। तो मेरा जो मैंने जो आपको बताया सारे फीचर्स के बारे में, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फीचर्स काम में आएंगे आपका आपका लाइफ में, और आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल करके आप अपना अच्छा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अगर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों जरूर लाइक करिए, कुछ भी सुझाव देना है या कुछ भी आपको डाउट्स है दोस्तों इसका वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। आप दोस्तों ईमेल भी के जरिए में मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे चैनल में नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेंडिंग वीडियोज आप दोस्तों देख सकें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।